गुड मॉर्निंग। ये आज हम लोगों ये ट्रिम्बल का ट्रिम्बल स्पेक्ट्रा जीपीएस कैसे यूज़ करने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे सेट करेगा इंटरनल में, कैसे सेट कर सकते हैं एक्सटर्नल में, कैसे सेट कर सकते हैं, ऐसा एक एक वीडियो बना के अपलोड करने के लिए। अभी फर्स्ट आज हम ये वीडियो में इंटरनल हमको कैसा स्पेक्ट्रा में इंटरनल कैसा प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है वो पूरा हम बताएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा ये रिसीवर स्पेक्ट्रा का 85 है, SP85 बोल सकते हैं। फिर SP60 एक और रिसीवर भी पड़ा है, SP80 भी पड़ा है, स्पेक्ट्रा यूनिट में अवेलेबल है। अब ये स्पेक्ट्रा ये ट्रिम्बल का ये 85 है, 600 चैनल से हम लोग काम कर सकते हैं एक ही टाइम में, सैटेलाइट का अंदर 600 चैनल भी पकड़ सकते हैं। ये हाई एंड मशीन है, इसका अंदर यूज हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर में सिग्नल मिलेगा, ये बिल्डिंग का बाजू में सिग्नल मिलता है, फिर ट्री का साइड में सिग्नल मिलता है, वही मैं पूरा ये वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा। अभी हमको ये इसमें कैसा ऑपरेटिंग करने के लिए देख रहे हैं, देखिएगा इसका इंटरनल रेडियो यही आता है। इंटरनल रेडियो नॉर्मली हम दूसरा स्पेक्ट्रा दूसरा ट्रिम्बल का ट्रिम्बल और दूसरा जीपीएस है ना, जीपीएस में देख रहे हैं साइड में इंटरनल रेडियो का आंजना साइड में आता है, फिर इसमें सेंटर में आता है क्या फ़ायदा क्या मालूम है, इसमें हमारा कुछ टॉप वगैरह भी सर्वे करने का टाइम, कुछ दूसरा कुछ ट्री का साइड में कुछ आजबल उड़ाने का टाइम, बिल्डिंग का कॉर्नर में ऐसा कुछ हम राड से कुछ पकड़ने का टाइम, स्टोर करने का टाइम हमारा एंटीना ख़राब नहीं हो रहता है वो, इसलिए क्या है कि एंटीना बस सेफ में हो जाएगा ये सेंटर आता है। अभी देखो कैसा कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट कर सकते हैं, इधर ही ऑलरेडी पूरा सीरियल नंबर पूरा इधर ही बता रहे हैं। ये हमारा वाई केबल कनेक्ट करने का पोर्शन है, ठीक है। स्पेक्ट्रा का दो बैटरी भी डाल सकते हैं, हम अभी एक बैटरी डाल रहे हैं, इसमें स्पेक्ट्रा और ट्रिम्बल का एक ही कंपनी है, तो एक ही सेम बैटरी भी आ रहे हैं हमको, इसलिए थोड़ा अच्छा होता है, बैटरी ऐसा फिक्स कर सकते हैं। तो एक बैटरी डाल दिया, ऑन का स्विच यही होता है, ऑन कर रहे हैं मैं अभी, देखो इसमें थोड़ा टाइम प्रेस कर दूँ, अभी इसमें नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसमें वो ऑलरेडी नाम आता है स्पेक्ट्रा। ये इसका हमारा एंटीना का प्रोटेक्शन करने के लिए देखो इसमें सेंटर में राड है, 25 का राड ऐसा डाल के हम फिक्स करना चाहिए, ओके। साउंड वाइपर आज ऐसा सेट कर सकते हैं, सेट करने के बाद में लेवल पूरा वो नॉर्मल प्रोसीजर है। ये इंटरनल रेडियो सिस्टम है, रिसीवर का रोवर का राड यही होता है, ये एक एक मीटर में आता है, इसमें फर्स्ट दो पीस आता है, एक मीटर हम कनेक्ट करेगा, ये भी सही है, इसमें भी हम सेट किया, ओके।
इतनी है, सेट कर सकते हैं। फिर ये 2 मीटर का राड है, इसलिए किधर भी हम लोग कैरी करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें भी बैटरी लगेगा, ट्रिम्बल का प्रोडक्ट है इसलिए ट्रिम्बल का बैटरी भी हमको डाल सकते हैं, यूज करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बैटरी मैं डाल दिया, ऑन कर सकेगा। ओके, अभी रिसीवर दोनों ऑन हो गया। आज मैं अभी इंडियाना रेडियो में कैसा सेटिंग कर सकते हैं वो ही दिखा रहे। ये हमारा स्पेक्ट्रा का कंट्रोल है, रेंजर 3 बोल सकते हैं। ये सेम ट्रिम्बल का सेम कंट्रोल है, फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये इसका फील्ड सॉफ्टवेयर सर्वे प्रो यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करने का, कैसे कनेक्ट करने का अभी हमको आगे देखेगा। बाहर गर्मी है इसलिए स्क्रीन का कुछ नज़र नहीं, थोड़ा मुश्किल आएगा, नज़र अच्छा से नहीं मिलेगा, इसलिए गाड़ी का अंदर ये दिखा रहा है। ये मेन स्क्रीन है, देखो इसमें सर्वे प्रो एक हमारा फील्ड सॉफ्टवेयर है, वो हमको ओपन कर सकते हैं। सर्वे 4 प्रो ओपन आ रहा है, अभी देखो ये स्क्रीन ओपन हो गया। इसके बाद में क्या करना है, ये पूरा हमारा पहले का जॉब है, पहले का जॉब में कुछ काम करना है चाहिए तो इसमें हम इसे सीधा हमको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम मैं इधर ही दिखाएगा कैसे न्यू जॉब बनाने के लिए। अभी हमको आज एक न्यू जॉब बनाना चाहिए, हम न्यू में प्रेस कर दिया, इधर ही हमका हमारा ये जॉब का नेम डाल सकते हैं। अभी एक डेमो बोलेगा, आज का डेट भी डालेगा, आज ओके। इधर ही हम देखो हमारा कैसे हमारा सेटिंग है ना, सेटिंग में जाके हम पूरा सेटिंग है, ये पूरा सेटिंग एक बार चेक करना चाहिए। इधर देखो ब्रॉडकास्ट आरटी से जून है, मतलब हम दुबई में ऑलमोस्ट काम करने का टाइम क्या करता है, डी एल टी एम यूज़ कर सकते हैं। अभी अबू धाबी में हम हमारा काम कुछ करने का टाइम क्या करता है, यूटीएम 40 यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसा ये पूरा इसमें डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। अभी दूसरा कंट्री में कुछ करने के लिए जोन सेटिंग करने के लिए इधर ये वो सेलेक्ट करके हमारा ये इधर जाके फिर यूज जियो जियो मॉडल हमको चाहिए तो जियो मॉडल कौन सा है वो इसे वो फॉर्मेट भी इधर से सेट कर सकते हैं। ये पूरा एक ही वन टाइम प्रोसीजर है। अभी आज मेरे को काम है, फिर भी आज ये फर्स्ट में एक जॉब बना दिया, इसके बाद में दूसरा एक जॉब बनाना चाहिए ऐसा कुछ है तो अभी फिर भी हम सिटी में जाके कुछ चेंज कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, अभी हम जॉब क्रिएट हो गया। अभी इधर देखो डेमो डेट भी मैं डाल के रखा। अभी क्या करने का, हमारा रिसीवर इधर से हमको सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर ही जाओ इधर ऑल इंटरनल जीपीएस, मतलब क्या है इसमें हमको लोकेशन कुछ मालूम के लिए खाली कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं ये इंटरनल जीपीएस, वो सेलेक्ट करके इसका अंदर हमारा कोऑर्डिनेट डाल के सेटिंग आउट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर सैटेलाइट का साथ काम कर सकते करेगा, ये ऑलमोस्ट 3 मीटर 2 मीटर का एक्यूरेसी में हमको मिलता है कोऑर्डिनेट सेटिंग और कुछ मिलता है। इधर पूरा हमारा कितना रिसीवर कैसा कैसे हम लोग यूज़ किया वो पूरा इधर ही आता है। फिर फर्स्ट में एक दिखाया कैसा सेट करने के लिए, मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट जाना है। इसका बाद में क्या करने का, हमारा आड रिसीवर प्रोफाइल, आर रिसीवर प्रोफाइल में जाओ, जाके स्पेक्ट्रा जियो स्पेक्ट्रा, ये हमारा ये स्पेक्ट्रा का रिसीवर है इसलिए स्पेक्ट्रा यूज़ करना है। इसमें सपोर्टिंग कौन सा ट्रिम्बल भी सपोर्ट करता है, टॉपकॉन टीपीएस सपोर्ट करता है, आरएनएस भी ये सपोर्ट करता है, एनएमईए वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ठीक है, अभी हमारा स्पेक्ट्रा है इसलिए स्पेक्ट्रा हम सेलेक्ट किया। स्पेक्ट्रा का मॉडल भी इधर ही
दिखा रहे हैं। अभी दूसरा ट्रिम्बल सेल करो, ट्रिम्बल का मॉडल ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब ये 85 मॉडल है इसलिए 85 सेलेक्ट किया। इसके बाद में हम ब्लूटूथ में भी ये काम कर सकते हैं, सीरियल केबल में भी काम कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में हम सेलेक्ट कर दिया। इसका बाद में क्या करने का, ब्लूटूथ सेटिंग का अंदर जाना चाहिए। ब्लूटूथ सेटिंग का अंदर जाके हमारा रिसीवर का सीरी नंबर हम चेक करना चाहिए। चेक करा तो ये इसमें स्टार्टिंग स्कैन कराने टाइम इधर ये रिसीवर ब्लूटूथ रिसीवर ऑन है तो इसमें दिखा रहे हैं, ये दिखाएगा रिसीवर का नेम इधर दिखाएगा। वन टाइम ऐड किया तो इधर अभी देखो नो ब्लूटूथ डिवाइस, मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी इसका अंदर ऐड करके रखा ब्लूटूथ का सीरी नंबर ऐड करके रखा इसलिए ऐसा दिखा है, नहीं तो वन टाइम ऐड नहीं किया तो इसमें ऑलरेडी आता है। इसमें आने के बाद में क्या करने का, ऐड सेलेक्टेड ऐसा कुछ क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली ये पोजीशन में आएगा, नॉर्मली इसका अंदर आ जाएगा। फिर इधर से हमको सेलेक्ट कर सकते ठीक है। अभी हम बेस कौन सा रखा है वो चेक करना चाहिए। अभी हमारा स्पेक्ट्रा का एक यूज़फुल आता है क्या है, रोवर बेस कोई भी हमारा को यूज़ कर सकते हैं। अभी मतलब रोवर के लिए नहीं है, रोवर उड़ा के बेस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेस उड़ा के रोवर काम का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एक एडवांटेज मिलता है इसलिए ठीक है। दोनों में ट्रांसमीटर रिसीवर भी इंडियन रेडियो में इसमें फिक्स है इसलिए अच्छा होता है ठीक है। अभी फर्स्ट हम उधर जाके बेस का कौन सा सीरियल नंबर रिसीवर पड़ा है वो चेक करना चाहिए, चेक करके इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। ओके, हमारा बेस रिसीवर का सीरियल नंबर 189 है इसलिए हम क्या करने का, इधर के 189 सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कनेक्ट का कनेक्ट प्रेस करना चाहिए। अभी देखो अभी रिसीवर में कनेक्ट हुआ, कनेक्ट आने का टाइम एक साउंड आता है, ये कौन सा रिसीवर में साथ हम कनेक्ट करता है कंट्रोलर उसका टाइम में वो एक साउंड आता है। अभी मैं 189 अभी सेलेक्ट किया, वो रिसीवर बेस में रखा, वो कनेक्ट हुआ। कनेक्ट के बाद में अभी इधर से हमको सेलेक्ट कर सकते ये रोवर करना चाहिए वो बेस करना चाहिए। ओके, अभी हम बेस में रखा इसलिए बेस सेलेक्ट कर दिया, बेस सेलेक्ट किया, एलिवेशन मास्क 10 में रख दिया। वो ऑटम इसमें हम लोगों ये एक एक कनेक्ट का फ्रीक्वेंसीज है, इसमें हम क्या करने का, ये ZMRX डाल दिया इसमें, पूरा ट्रांसमिशन रेट पूरा सेम डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं। इधर देखो इंडियन है, अभी हम इंडियन रेडियो में काम कर रहा है इसलिए हम इंडियन रेडियो सेलेक्ट करना चाहिए, एस्टर्न रेडियो नहीं है। इसका अंदर एक रेडियो का अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन का चैनल भी होता है, इधर भी चैनल हमको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इधर 439 फिक्स कर दिया, नहीं तो कोई भी दोनों में एक ही चैनल इसका बेस रखने वाला इंडियन रेडियो में चैनल कितना है वो इतना चैनल है इसलिए ये शो करता है। ये सेम चैनल भी हमारा रोवर का इंडियन रेडियो में होना चाहिए ठीक है। ये इधर ही हाई कर दिया, ये मॉडल अभी 4800 रखना चाहिए, ये बाकी सारा डिफ़ॉल्ट आता है। ये स्पेक्ट्रा हम यूज़ करने के टाइम ऐसा सेट करना चाहिए, फिर ओके कर दिया। ओके, इसके बाद मैं जनरल सेटिंग में जाएगा, जनरल सेटिंग में कुछ हम लोग को चेंज कुछ करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं एक पूरा एक दिखा रहा है, एक पूरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कुछ चेंजेस कुछ नहीं कर दो ये सेफ है। फिर भी इसमें भी चेंज कुछ हमको चेंज करने का कुछ जरूरत नहीं है ठीक है। इसके बाद हम क्या करने का, ये ओके का टिक करना है। अभी ये सेट आ रहा है, देखो इधर ही हमको नॉर्मली ये रिसीवर हम बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ऐसा है तो हमारा इधर बेस का कुछ लिख के रख सकते हैं। अभी मैं बेस 5 ऐसा कुछ मैं डाल दिया, 5 बेस 5 डाल दिया। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, सेकंड टाइम है, कल कुछ हम लाने का सेम रिसीवर रखा तो इधर सेटिंग कुछ करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। खाली हम फर्स्ट में दिखाया ना उधर जाके कल ये कनेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है ठीक है। फिर इसमें भी अभी देखो इधर ऐसा एक बेस का सिंबल भी आ गया, इसमें हम सेलेक्ट कर दिया
ओके, अभी हमारा बेस सेट हो गया, बेस का सेटिंग पूरा हो गया। इसका बाद मैं ऑलरेडी बताया था ना इधर ही, अभी देखो कुछ डाउट है तो इधर देखो, टिक बेस 5 मैं लिखा, इसलिए ये सेटिंग पूरा उसका अंदर कर दिया, इसलिए उसमें आ गया। अभी हम स्टार्ट सर्वे कर रहे हैं, ये बेस स्टार्ट करने के लिए अभी क्या करने का, स्टार्ट सर्वे सेलेक्ट कर दो, बेस 5 है, इंडियन रेडियो अभी फ्रीक्वेंसी चैनल 439 हम वो सेलेक्ट किया, कनेक्ट करना है। अभी SDGPS मतलब क्या, हमें सिग्नल आ रहा है और अभी हम गाड़ी का अंदर ही बैठ रहे इसलिए सिग्नल मिलता है वो अच्छे से मिलता है, वो थोड़ा चेक करेगा। अभी देखो अभी बेस का स्टेशन सेट हो गया। अभी इसमें स्पेक्ट्रा में कुछ एक फ़ायदा क्या है, हम कुछ लोकल में कुछ काम करने के लिए हियर पोजीशन ऐसा कुछ काम करने के लिए क्या करने का, कुछ ऑटोमेटिकली बेस डिक्टेट करता है वो पोजीशन, वो पोजीशन हमको उसी पोजीशन में हम काम करने के लिए इजी होता है। इधर मेजर्ड नॉर्मली बेस का हाइट इधर ही हमको डाल सकते हैं, बेस का हाइट मैं 1.5 डाल रहा है, ऑलमोस्ट 5 में आ रहे हैं। फिर इसका अंदर बॉटम ऑफ एंटीना, बॉटम ऑफ एंटीना माउंट साल्ट मेशर मास्क बॉटम ऑफ UHF एक्सटेंशन वो क्या है कुछ अभी मैम बताएगा। बॉटम ऑफ एंटीना मतलब इधर तक आता है हमारा पॉइंट इधर ही है, तो इधर इधर उधर से हम क्या करने का, बॉटम ऑफ इधर तक एक मेशरमेंट उड़ाना है, ये आज करना है 25 से। नेक्स्ट ऑप्शन साल्ट मेशर मार्क, वो ही क्या करने का मेशर मार्क मतलब इधर हम डायरेक्ट इधर पॉइंट से पॉइंट तक इधर तक इधर इधर तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इधर ही एक सिंपल होता है रिसीवर में, रिसीवर का इधर तक हम लोग इधर हम लोगों बॉटम ऑफ एंटीना हम लोगों सेलेक्ट किया, नहीं तो साल्ट मशीन सेलेक्ट कर दिया, आप लोगों मर्जी से कर सकते हैं। इधर से नेस्ट करना है, नेस्ट किया। इधर देखो बेस सेट ऑन न्यू पॉइंट मतलब अभी बेस ऑलरेडी उधर का पॉइंट हियर मतलब हियर में लोकल में उड़ा दिया, उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हमारा नहीं तो हमारा एसेंशिंग पॉइंट कुछ है तो उसका साथ ये सेलेक्ट इधर सेलेक्ट करके चूज फ्रॉम लिस्ट, नहीं तो क्रिएट पॉइंट क्रिएट कर सकते। इधर जाओ तो इधर हमको पॉइंट जनरल पॉइंट कंट्रोल पॉइंट बनाना चाहिए तो कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करना है, लोकेशन लोकेशन में ईस्टिंग नॉर्थिंग इधर निकाल के ये इधर से बना सकते हैं, ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं ऑलरेडी लोकल में कर रहा है, इधर कुछ पॉइंट बराबर नहीं है इसलिए इसका अभी क्या करना है, बेस सेटअप इतने ही है अभी, फिनिश बेस सेटअप। अभी ऑलमोस्ट हमारा बेस पूरा सेट हो गया, इसके बाद हमें क्लोज करना है, क्या करने का अभी इसके बाद में डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में हम जा रहे हैं, स्टार्ट सर्वे में जा रहे हैं। इधर आने का टाइम हमारा रोवर अभी सेलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट रोवर का, रोवर सेलेक्ट करने के क्या है, हम बेस के लिए सेट किया था ना वो सेम प्रोसीजर में जाके इधर पूरा सेटिंग चेंज ब्लूटूथ सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा पूरा करना पड़े। अभी हमारा रोवर का मैं चेक किया, हमारा 179 है हमारा रोवर का सीरियल नंबर है, ठीक है उसमें आके कनेक्ट के लिए प्रेस कर रहे हैं। ठीक है अभी देखो रोवर कनेक्ट हो रहा, इसका बाद में वो रोवर है वो सेलेक्ट किया, इसका बाद में मोड में एक बार चेंज चेक कर दो, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। अभी देखो इधर चैनल 465 है हमारा, बेस का चैनल 439 डाल के रखा, इधर पूरा सेम ऑप्शन में रखना चाहिए, एक एक टाइम में पूरा दिखा रहे पूरा, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है। ओके इधर आ गया मीडियम पूरा आ गया, जनरल में एक मिनट ये भी पूरा दिखाएगा, सेटिंग पूरा दिखा रहे
बाकी सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इधर कुछ चेंज हम करने का कुछ जरूरत नहीं है। ओके टिक प्रेस करने। अभी अभी भी रॉबर भी हमको इधर से क्या करने का, हम 5 डालेगा ऐसा है, तो दोनों बेस 5 है, ड्रॉवर 5 है, इसलिए हमको इजी से हमको मालूम पड़ेगा। सेव हो गया एक कनेक्ट करने के लिए। अभी कनेक्ट के लिए जा रहे हैं। अभी देखो इधर ही रोवर में वो ट्री का इधर ही थोड़ा दूर पकड़ा है, इसलिए फ्लोट दिखा रहे। अभी देखो इधर, देखो ये पूरा इधर हमारा रोवर का हाइट डाल सकते 2 मीटर। सेट कर रहे हैं, अभी रोवर में सिग्नल नहीं आ रहा है इसलिए फ्लोट आ रहा है। अभी रोवर मैं उधर से उड़ाए रहे, उड़ा के इसका अंदर है ना, गाड़ी का अंदर है इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी ये पोजीशन आपको बता रहे। अभी रोवर बाहर खड़ा है, देखो रोवर हम लोग गाड़ी का, गाड़ी से बाल लेके आया इसलिए अभी सिग्नल भी देखेगा। ये देखो ये अभी रोवर देख रहे हैं ना, देखिए ना इधर देखो फिक्स्ड हो गया, मतलब फिक्स्ड मतलब हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा से एक्यूरेसी इधर ही होता है फिक्स। इधर एक अच्छा एक क्या मालूम है हमारा पोजीशन, पोजीशन ये स्पेक्ट्रा सर्वे प्रो का प्रो में ये एक फ़ायदा अच्छा है। देखो ईस्टिंग, ईस्टिंग इतना है, नॉर्थिंग इतना है, एलिवेशन इतना है, ये पोजीशन करंट पोजीशन भी बता रहे किधर हम लोगों पॉइंट स्टोर करके कुछ चेक करने का कुछ जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। अभी कौन सा एरिया में हम पकड़ने के टाइम में पोजीशन ईस्टिंग नॉर्थिंग पूरा बता रहे। अभी ये हमको स्टोर करना चाहिए, स्टोर करने के लिए क्या करने का पॉइंट इधर डाल दिया मैम, सी कुछ एक कोड डाल दिया पॉइंट का एक्सेप्ट, अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है। ये स्टोर हो गया, कुछ फ्लोट इधर ही फिक्स्ड है, ये फ्लोट आ गया तो फ्लोट रेड कलर कुछ आया तो ये क्या करना, ये मतलब सिग्नल वीक है, मतलब सिग्नल वीक आ रहा है इसमें ऐसा सेटिंग है ठीक है। टॉप को कुछ करने के लिए अभी टिल्ट ऑप्शन है, हम लोगों सीधा पकड़ा तो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्टोर आता है, ऐसा भी ऑप्शन भी इसमें हमको ऑटोमेटिकली कुछ स्टोर का जरूरत नहीं है, कुछ कैसे भी हमको कनेक्ट करना चाहिए ऐसा कुछ है तो इसमें ओके डालने स्टोर होता है। अभी एक एक पॉइंट हम लोग को अभी स्टोर कर रहे हैं, ये पॉइंट एक क्रॉस चेक कुछ करने के लिए रिजल्ट लास्ट पॉइंट हमको अरे चेक करना चाहिए ऐसा कुछ है तो क्या करने का, इधर पॉइंट 130 ईस्टिंग नॉर्थिंग ऐसा कुछ आता है इधर एक उसी टाइम में इधर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आता है इसलिए ये अच्छा होता है। कुछ चेंज करके कुछ चेक करने का कुछ जरूरत नहीं, इसका एक एक पॉइंट की एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली इधर ही मिलता है ठीक है। इतनी है हमारा टिम्बल स्पेक्ट्रा GPS का। फिर दूसरा कुछ सेटिंग, कुछ एक्सटर्नल रेडियो विथ काम कैसा करेगा पूरा, एक एक काम स्टेक आउट कैसा करेगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करता है ठीक है।